नमस्कार, मैं हूं फिनमोनी लाहन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब घर में हैं और कुशल मंगल है। पिछले वन वीक से मैंने वीडियो नहीं बनाई और किस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई ये मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। पर उससे पहले मैं बोलना चाहती हूं कि मैं अभी अफ्रीका की मलावी में हूं और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूं यहां पर 2,364 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 557 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस वक्त तक पूरे वर्ल्ड वाइज 12.6 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस हो गए हैं। और अभी मैं आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहती हूँ जिस बात की वजह से, यानी कि जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा सैड थी और जिसकी वजह से मैंने वन वीक से वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज आई वॉज वेरी सैड। और वो बात ये है कि एक जान पहचान की भाभी जिनको कोरोना वायरस हो गए थे और वो अभी इस दुनिया में नहीं रही, और इस बात की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। वो अफ्रीका की ही एक जगह में रहती थी, अचानक से उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गए थे। तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। वो होम क्वारंटीन करने लगी थी, बट सेकेंड डे उनको फिर से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गए थे। तब उनके हस्बैंड ने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, पर ऑक्सीजन सिलेंडर आने में देर हो गए थे और वो नहीं बची। और डॉक्टर ने यह भी बोला कि उनकी जो स्मोक करने की आदत है, उस स्मोक करने की आदत की वजह से उनकी लंग वीक हो गए थे। सो गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों में अगर स्मोक करने की आदत है तो प्लीज इस स्मोक करने की आदत को आज के आज और अभी के अभी छोड़ दीजिए। प्लीज जब इस स्मोक करने को मन करे तब कुछ हेल्दी चीज खा लीजिए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए और अपने आप को हेल्दी चीजों की ओर डाइवर्ट कीजिए। और जिस लेडी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लेडी थी, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी थी। She was very hardworking. She was a very nice person. Yeah, we will miss her. Always. और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग स्मोक नहीं करोगे तो कोरोना नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर स्मोक नहीं करोगे तो आप लोगों के लंग्स स्ट्रांग रहेंगे और कोरोना से फाइट करने में समर्थ रहेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से और कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि किसी को भी अगर आइसोल्यूशन के लिए हो या क्वारंटीन के लिए हो ले जाया जाता है तब उनकी वीडियोग्राफी ना करके उनको अपने दरवाजे से या अपने छत से या अपने बैल्कनी से हाथ हिलाकर उनको विश कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच में वापस लौट के आए। उनको गेट वेल सून बोलिए, उनको मेंटली स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि बीमारियां मनोबल से जल्दी ठीक होते हैं। तो गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।